हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट आपके यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। फुल प्रैक्टिस सेट है, लगभग आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा। कौन सी उत्तर आकृति आपके प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। देखो 35 नंबर का है, प्रश्नाकृति उत्तराकृति मैच करिए। चलो भाई, तो आपको पता है ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पे है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। राइट ऑप्शन देखा जाए तो आपका या तो फिर बी होगा तो सी होगा, लेकिन ये पूरी लाइन जा रही तो यहाँ पे पूरी लाइन यहाँ तक जाएगी, बी ऑप्शन राइट है। आप लोग अपने हिसाब से देखिए, बी राइट ऑप्शन है, ठीक है, बी राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया ये कागज आकृति वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम ध्यान से बताएंगे। इसमें लिखा है नीचे दिए गए आकृतियों में से अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा गोल खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। चलो भाई, ये ऐसा पन्ना था, फिर इसको आधा किया गया, फिर ऐसे किया गया ऐसे, ठीक है। तो खोलने पर वह आकृति कैसे होगी, तो ये भी जैसे ये खुलेगा तो इधर भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा, इधर भी ऐसे भी खुलेगा, तो आपको केवल ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन बी पार्ट। अब बी कैसे होगा आपको बता दें, जैसा यहाँ पर बना है वैसा इधर भी बनेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहीं पे है, आप लोग देख लीजिए तरीका इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बिंदु इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ऐसे करके बिंदु, राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। अगला दिया गया यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में आपका ऐसे संबंधित इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया था, ये शब्द आपका दिया गया, आपको सम्मिलित करके बताना कि कौन सा क्रम सही रहेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये है, क्योंकि ब्रांच होता है, इसको आपको देख लीजिए, बी से क्या है 6 है, आर से क्या है 3 है, 6-3 से एक ही ऑप्शन राइट ऑप्शन ये है। आपको एक शब्द बनाना पड़ेगा जो शब्द बनता है, ठीक है। चलो, यह संगत था, इसको संगत बनाना था, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ब्रांच बनेगा, ब्रांच, ठीक है। 6-3-5-2-4-1 राइट ऑप्शन यही बनेगा, ठीक है। चलो, अब कुछ कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, अब चलो स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। देखो इसमें क्या लिखा है, 17 1 से 2 है, फिर 23 है। तो 17 से 1 से 2 कैसे बना है? देखते हैं जरा कैसे बना। 17 × 6 किया गया, 6 7 42, 4 6 कम 6 4 10 1 से 2, मतलब 6 का गुणा किया गया। 23 में 6 गुणा करेंगे, 6 3 18, 8 एक ही ऑप्शन, 6 2 12 13, हाँ 138 राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपका ए पार्ट। अगला देखते हैं, यहाँ पे सी से डी हुआ एक बड़ा, एफ से क्या होगा जी होगा, ई से क्या ई एफ जी एक गैप हुआ, जी के बाद क्या एच फिर आई आएगा, मतलब एक गैप के बाद में एच, जी के बाद में क्या एच फिर आ जाएगा, एक गैप चलेगा ना, तो जी आई एक ही ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आई के बाद में क्या आई जे के एल, यहाँ पे 2 का गैप है, इसमें क्या आएगा आई जे के एल, तो जी आई एल, देख लीजिए राइट ऑप्शन यहाँ पे यही है, सिंपल था। विषम संख्या का आपको ज्ञात करना है, इसमें क्या है आप लोग 2 मिनट लगा दोगे या फिर 5 सेकंड के अंदर कर लोगे, ठीक ठीक है। तो ये यही है कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, ठीक है। रीजनिंग में अगर आपको 10 में 10 इंडियन कोड गार्ड में चाहिए तो आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 3 4 को उल्टा 4 3 कर दिया, अगर ये पैटर्न आता होगा तभी आप लोग सही कर पाओगे। 7 5 को 5 7 कर दिया, जो भी उल्टा 12 को 21 किया गया, 15 को क्या है 5 1 करना चाहिए था लेकिन 41 किया गया। संगत यही है, विषम संख्या यही है, इनकी संख्या को पलट दिया जा रहा था लेकिन इसमें नहीं है, डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो यही इन तीनों की अपेक्षा में भिन्न है, राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। अगला दिया गया, जो संबंध रोटी का गेहूँ से है, ईंट का संबंध किससे होगा, आप लोगों को गेहूँ की रोटी, ठीक, गेहूँ की रोटी होती है, तो अब किसकी किसके ईंट बनते हैं, मिट्टी से ईंट बनते हैं, मिट्टी से ईंट, गेहूं की रोटी होती है, मिट्टी से ईंट बनते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन है वैसे बी पार्ट है, आप लोग गलत मत करिएगा। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिलेंगे, 60 क्वेश्चन लगभग हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो, इंपॉर्टेंट बात आपको एक छोटी सी अब बता दें, देखो आपका क्या है कि देखो इसी तरह का अगर आपको 60 क्वेश्चन वाली सीरीज चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट और भी चाहिए, प्यूरी सेट क्वेश्चन भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों को केवल एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा बस, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिना कहे, ठीक है। मैंने क्या है कि इंडियन कोड गार्ड सेट रीजनिंग के 120 प्रैक्टिस सेट कराएं, 100 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस के कराएं, और काफ़ी मैंने आपको ये भी है कि जीके की भी 120 प्रैक्टिस सेट कराएं, 90 इंग्लिश के कराएं, 70 मैथ के प्रैक्टिस सेट कराएं और 50 प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के कराएं। अगर किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट बता देना। काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में है, किस राज्य में स्थित है, 21 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट, असम राज्य में। इनको जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लो, क्योंकि जीके 5 नंबर की आती है, ठीक है। अगला दिया, खुसरो मिर्जा के पिता का नाम क्या था, खुसरो मिर्जा के जो पिता का नाम था जहांगीर था, ठीक है, 22 नंबर का ए पार्ट है। अगला दिया गया, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया था, 23 नंबर प्रश्न का जो ए ऑप्शन शेर शाह सूरी यहाँ पर राइट ऑप्शन है,
पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया शेर शाह सूरी। 23 का ए ऑप्शन है। 24 में दिया गया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था, हम्पी था। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, 25 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बताइए जरा। 25 का सी ऑप्शन है, बैंकों का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया गया, तो 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। चलो 1950 राइट ऑप्शन है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। टंगस्टन मुख्यतः किस प्रांत में पाया जाता है, टंगस्टन मुख्यतः आपका राजस्थान में पाया जाता है। 27 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो भाई अब अगले प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिलेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वयस्क के मनुष्य में विटामिन डी की कमी से अस्थियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस की हानि होती है, यह लक्षण किस रोग के कारण होता है। 43 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन बी पर अस्थिमुद्धता। अगला दिया गया यहाँ पे विटामिन भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बता चुके विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए जरा, एस्कार्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी के रोग कौन होता है, आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, ठीक है। वैसे 44 का राइट ऑप्शन सी बनेगा। 45 दिया गया, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, लोहे की कमी से आपका अरक्ता रोग होता है या फिर एनीमिया रोग होता है। आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा काफ़ी बार एनीमिया रोग, जो लोहे तत्व की कमी से या फिर कह सकते हो आयरन, लोहे की जगह आयरन भी ले सकते हो, आयरन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, अरक्ता या एनीमिया रोग होता है, ठीक है भाई पढ़ लेना। अगला दिया गया यहाँ पे ग्लूकोमा रोग में होता है, ग्लूकोमा रोग में होता है। 46 नंबर दिया गया है, इसका ए ऑप्शन दृष्टि की थोड़ा आँखों से रिलेटेड होता है, ग्लूकोमा आँखों में बीमारी हो जाती है। राइट ऑप्शन दृष्टि की हानि से रिलेटेड है, आँखों से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो भाई इंपॉर्टेंट बात आपको एक बार फिर से बता दें, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना भाई, और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट में बताना, आप लोग सपोर्ट बस करिएगा, ठीक है। आप लोग इसी वीडियो में व्यूज देख लीजिए, काफ़ी कमाते हैं इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक है। 47 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन प्रणासी अरक्ता होता है। विटामिन B12 आप लोगों को पता होगा, विटामिन B12 में धातु पाई जाती है, कौन लिख के आता है कौन सी विटामिन में धातु, कौन सी विटामिन में धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में धातु पाई जाती है और कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के लिए होता है, कौन सा रोग जीवाणुओं के लिए होता है। 48 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट है। जो हैजा रोग होता है वो जीवाणुओं के लिए होता है। अगला दिया गया सूखा रोग रिकेट शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, सूखा रोग जो रिकेट्स है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। 49 नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट है, सूखा रोग भुजाएं शरीर के अंग भाग को प्रभावित करती है, भुजाओं को, ठीक है, शरीर की भुजाएं जो होती हैं उनको। कौन सी विटामिन से वह रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून निकलता है और दांत थोड़े ढीले हो जाते हैं। 50 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, 50 नंबर की बात है तो इसका जो विटामिन सी होता है, ठीक है, मसूड़ों से खून आने विटामिन सी होता है और दांत थोड़े ढीले हो जाते हैं वो विटामिन सी की वजह से होता है। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से एस्कार्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा जैसे कि, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कि निकोटोनिक अम्ल जो होता है, निकोटोनिक अम्ल की कमी के कारण होता है, किस कमी के कारण निकोटोनिक अम्ल होता है। 51 नंबर दिया गया है, आपका जो पैलाग्र है वो निकोटोनिक अम्ल की वजह से होता है। साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन कोड में साइंस आती है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों से पूछी आती है। लगभग 10 नंबर की साइंस आती है, 5 नंबर की जीके आती है और 10 नंबर की रीजनिंग आती है, ठीक है। चलो भाई और भी आपकी ये भी कि 15 नंबर की इंग्लिश आती है, मैथ आपकी 20 नंबर की आती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मैंने इंग्लिश के आपको लगभग 80-90 प्रैक्टिस सेट करा दिए और मैथ के 70-80 प्रैक्टिस सेट कराए। किसी का भी आपको लिंक चाहिए कमेंट में बता देना, ठीक है। साइंस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, फिजिक्स, किसी का भी चाहिए कमेंट में केवल एक बार आप बताइएगा, ठीक है। चलो अगला रोग, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई। 52 नंबर दिया गया है तो रतौंधी होता है, ठीक है। अगला दिया गया कौन सा जोड़ा आपका गलत दिया गया है, ठीक है। ट्रोकोमा आँख में होता है, पीलिया यकृत से रिलेटेड, ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं से अति तनाव पर निम्न रक्तचाप आपका गलत दिया गया, ठीक है। अगला दिया गया कोशिकोर किसकी कमी से होता है भाई। 54 नंबर है, आप लोग इसकी शॉर्ट ले लेना, 54 और 55 नंबर का, 54 का बी ऑप्शन, कोशिकोर जो होता है वो आपकी प्रोटीन की कमी से होता है, एड्स स्थानांतरित नहीं होता है। 55 नंबर दिया गया तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी पार्ट, हाथ मिलाने से नहीं स्थानांतरित होता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, और एड्स दिवस होता है जो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशेंसी सिंड्रोम होता है, फुल फॉर्म एक्वायर्ड अमीनो डिफिशेंसी सिंड्रोम होता है भाई, फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद कर लेना। अगला दिया गया रोग तथा उससे संबंधित शर्त का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, 56 नंबर प्रश्न दिया गया है,
देखो आपका यहाँ पे टीबी बीसीजी रिलेटेड है, बिल्कुल सही। गुर्दा विकार आप डायलिसिस से है, मधुमेह आपका इंसुलिन से होता है। चलो भाई, टिटनेस यहाँ पे लीवर 52 दिया है, बिल्कुल गलत दिया गया, ठीक है हटाओ, डी ऑप्शन पूरा गलत है। अगला देखते हैं यहाँ पे 50, यहाँ पे दिया गया 57 प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो कशेरुक रज्जु में। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान है। 58 नंबर दिया गया है, इसका जो बी ऑप्शन ट्रिटिकेल यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 59 नंबर दिया, कौन सा स्तनधारी नहीं है, कौन सा स्तनधारी नहीं है, राइट ऑप्शन बताइए। 59 का यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट, मगरमच्छ स्तनधारी नहीं होता। फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है। 60 नंबर है आपका, इसका जो पुष्प क्रम होता है वो होता है, ठीक है। चलो भाई 60 क्वेश्चन लगभग लिए थे, और भी क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। अगला दिया है, मानव की आँत में पाए जाने वाला जीवाणु है, मानव की आँत में पाए जाने वाला जीवाणु है जो एसरिसिया कोलाई है। एसरिसिया कोलाई जो होता है मानव की आँत में पाया जाने वाला होता है, जीवाणु होता है, ठीक है। अगला दिया, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो आप लोग बता सकते हो बी ऑप्शन की ओर, काफ़ी लोग जा रहे होंगे, ठीक है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट। चलो आप लोग कमेंट बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, विलियम हार्वे होगा या ए बी में बताइएगा केवल। चलो आप लोगों को जो सही लगे ए और बी में बताना है, लेकिन फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अब ए बी या फिर किसी में भी आप लोग चलो बताना। 62 का आपके आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं। विषाणु डैश में होता है, 63 नंबर का बी ऑप्शन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला दिया, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, 64 का बी ऑप्शन, टांग में पाई जाती है। सर्वप्रथम विषाणु खोज किसने की थी, तो बी ऑप्शन सभी लोग लगाएंगे, मुझे पता है। 65 का बी ऑप्शन, इवानोवस्की ने विषाणु को खींच खोज की थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपको मैंने करा ही दिया, रीजनिंग और ठीक है जीके साइंस के, ठीक है। और दोस्तों ये कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इंडियन कोड गार्ड सेट्रिक किसी का प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में, केवल आप लोग नीचे कमेंट में लिख देना एक बार सीधा, ठीक है। और आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करोगे, उतना ही आप लोगों को और भी प्रैक्टिस देखने को मिलते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।